देसी विदेशी पर्यटकों को अब ताजमहल तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। वे बेहद कम रेट पर ई बाइक या बाइसाइकिल ले सकेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से यह इको फ्रेंडली दोपहिया वाहन बेहद ही फुल प्रूफ है। आगरा में स्मार्ट सिटी परियोजना में पब्लिक ई बाइक व साइकिल शेयरिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है। कैसी है यह बाइक और बाइसाइकिल, किस तरह होगा इनका संचालन और कितना होगा इनका किराया, इसका जायजा सी न्यूज चैनल हेड विजय बघेल ने मौके पर लिया। आगरा ताज का शहर है और ये ताज का शहर धीरे धीरे हाईटेक हो रहा है और जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे बचने के लिए यहाँ स्मार्ट सिटी के तहत ये ई बाइक और साइकिल यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ बेसिल इंडिया कंपनी के जो हेड हैं वो यहाँ मौजूद हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इनसे जानेंगे। हाँ, यहाँ पर आगरा स्मार्ट सिटी की तरफ से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके अंदर सभी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक बाइसिकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कोई भी राइडर जो ताजमहल घूमने आना चाहता है, स्पेशली अभी जो कॉन्सेप्ट है ताजमहल के आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण से मुक्त रखने के लिए, प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए रखा गया है, तो इसमें इलेक्ट्रिक साइकिल्स हम देंगे। जो राइडर इस साइकिल का उपयोग करना चाहता है उसको मात्र 15 रुपये या 20 रुपये में ये साइकिल उपलब्ध हो सकेगी। वो यहाँ से एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट पर साइकिल को छोड़ पाएगा और वहाँ से जब वापस आएगा तो उसी राइड को, साइकिल को कहीं भी छोड़ सकता है हमारे किसी भी पॉइंट पर। तो इससे हमारे को प्रदूषण बचाने में, ताजमहल के आसपास के क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त रखने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी और ऐसे ही यहाँ के आगरा के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इससे वेसिल अब तक कितने शहरों में ये प्रयोग कर चुकी है? ऐसे तो हमारा कई शहरों के अंदर काम हो चुका है। इस वक्त बिलासपुर, मुरादाबाद, कोटा, जयपुर और दिल्ली में बहुत अच्छे रूप में इन सब चीज़ों की सर्विसेज चल रही है, जिसको सभी लोगों ने बहुत शहर स्वीकार भी किया है और बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। किस तरीके से ये आपकी ई साइकिल लोग ले सकेंगे, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, कैसे इसको? बेसिकली इसमें साइकिल को लेने के लिए किसी भी यूज़र को एक डाउनलोड करने पर, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जो गूगल प्ले स्टोर, आई स्टोर पर दोनों पर उपलब्ध है, दैट इज़ माई बाइसिकल्स। और जब भी कोई भी यूज़र साइकिल की सर्विस को यूज़ करना चाहता है तो सबसे पहले उसके अंदर उसको मिनिमम रिचार्ज 20 रुपये का करना होगा, दैट इज़ द रेंट ऑफ द साइकिल। तो उसके बाद जैसे ही उसके वॉलेट में 20 रुपये आ जाएंगे तो यहाँ पर साइकिल पर आप देखेंगे एक QR कोड लगा हुआ है, दिस इज़ ए QR कोड। इस QR कोड को हम स्कैन करेंगे, इसको स्कैन करने के बाद राइडर को साइकिल इशू हो जाएगी और इशू होने के बाद हमारे को ये पता चलेगा कि किस राइडर ने कितने बजे और कहां से साइकिल ली है। उसके बाद राइडर अपनी राइड पे जा सकता है और जिस किसी पॉइंट पे पहुंचेगा वहां राइड को एंड करेगा तो हमारे सिस्टम में ये अपडेट हो जाएगा अकाउंट डिजिटली कि भाई किस राइडर ने साइकिल कहाँ से ली थी और कितनी देर चलाई। और सिक्योरिटी सिस्टम क्या रहेगा, क्योंकि तमाम गलत लोग भी आपकी इस बाइसिकल को ले जा सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। इसके लिए हमने इसके अंदर एक GPS सिस्टम बिल्ट इन है, जिससे हमारे को ये पता रहेगा कि इस साइकिल हमारी कहाँ पर है, उसकी लोकेशन हमें 24/7 मिलती रहेगी। और क्योंकि राइडर हमारे पास रजिस्टर्ड यूज़र होगा, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस हमारे पास रहेगा एज ए सिक्योरिटी। इवन दो हमारे पास वो भी रहेगा कि साइकिल की लोकेशन हमें हर समय अवेलेबल रहेगी। इतनी बाइसाइकिल यहाँ उपलब्ध हैं और आगे ये योजना कहाँ कहाँ, किस किस मोनूमेंट तक और आगरा में लोग पूरे आगरा के लिए अगर चाहें तो किस तरीके से उपलब्ध कराएंगे? देखिए, अभी आगरा स्मार्ट सिटी और बेसिल के बीच में जो करार हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारे को अभी यहाँ पर 7 लोकेशंस हैं आगरा के ताजमहल के आसपास में, जहाँ हमें ये साइकिल सर्विस देनी है। अभी हमने आज 30 साइकिलों से स्टार्ट किया है और हमने आगे प्रोग्राम ये भी बनाया है कि इसको हम स्कूटर्स भी लगाएंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी देंगे और छोटे हाई स्पीड, लो स्पीड स्कूटर्स भी रहेंगे इसके अंदर और बड़ी सुविधाएं भी रहेंगी। और आगे अगर मॉन्यूमेंट्स के अंदर आगरा स्मार्ट सिटी बात करता है तो हम जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उसके अंदर कोशिश करेंगे 1000 साइकिलें हम आगरा शहर में लगा दें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आगरा धीरे धीरे हाईटेक हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदूषण से बचने के लिए ये ई स्कूटर, ई मोटरसाइकिल और ई बाइसाइकिल ये काफ़ी बेनिफिशियरी होने वाली हैं। अगर आप ताजमहल घूमने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ से बाइक लीजिए और साइकिल लीजिए और सीधे ताज का आप अवलोकन कीजिए और आप बेहद ही सस्ते दामों में आपको यहाँ ये उपलब्ध होगी। आई लव आगरा माई सेल्फी पॉइंट से अपने साथी प्रताप के साथ विजय बघेल, सी न्यूज आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।